चलो ये काम तो हुआ पूरा, अब तुम्हारी माँ का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा, तुम देखते जाना बस। अब एक काम करो, सारे कपड़े तैयार करो जल्दी से। रवि क्या, एक सेकंड साइड पे करो। रवि हमें पैकिंग करनी है। पैकिंग कर लेंगे लेकिन थोड़ी प्यार भरी बातें तो कर ले। अच्छा एक बात बताओ देविका, कि तुम माता रानी के दरबार में मन्नत पूरी करने जा रही हो, राइट? आई एम श्योर कि तुम वहां जाकर कुछ ना कुछ तो मांगोगी, है ना? तो बताओ फिर क्या मांगने वाली हो? मैं तुम बताओ ना पहले, तुम क्या मांगोगे? अरे मैंने पहले पूछा है तो तुम पहले बताओ कि क्या मांगने वाली हो। रवि तुमने पहले पूछा है तो क्या हुआ, मतलब तुम्हारे मन में पहले से होगा ना कि तुमको क्या मांगना है, तो पहले तुम बता दो। नो, पहले तुम बताओगी क्योंकि मैंने पहले पूछा है, लेडीज फर्स्ट। रवि मेरे लिए तो तुम ही सबसे पहले आ दो, प्लीज बता दो ना पहले। नहीं पहले तुम बताओगी, मैंने पहले पूछा। पहले मैं नहीं बताऊंगी, पहले तुम ही बताओगे, नहीं बताया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे ये क्या बात है, मतलब तुम हमेशा एक ही बात बोलती हो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा तुम जीती मैं हारा, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी खचखच, मेरी जीत भी तुम्हें हो और मेरी हार भी, और मैं तुम्हारी अम्मी माँ से बस यही मांगने जा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए हम दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्यार जो तुम्हारी अम्मी माँ ने हम दोनों के दिलों में जगाया है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सच? सच्ची बोल रहा। अब मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ कि तुम अम्मी माँ से क्या मांगने वाली हो? मैं? हाँ रहने दो ना। अरे हद है, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम शर्मा क्यों रही हो? बताओ ना मुझे क्या मांगने वाली हो। ठीक है मैं बता दूँ। हाँ? पहले तुम प्रॉमिस करो कि मैं जो कहूंगी उसको सुनने के बाद तुम मेरा मजाक भी उड़ाओगे और हंसोगे भी नहीं। देविका मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? मैं अम्बे माँ से ये मांगने वाली हूँ, मतलब मुझे लगता है कि हम दोनों को वो चीज बहुत खुशी देगी। कितनी बातें हैं जो हमारे बच्चे वो भी हम दोनों के प्यार की निशानी होंगे ना। बस मैं अपनी अम्मी माँ से यही मांगना चाहती हूँ। इतना ज्यादा प्यार करती हो तुम मुझसे, ये हमारा प्यार हमारे बच्चों को देखना चाहती हो। मैं तो हर चीज में, हर पल में, हर लम्हे में तुम्हारा और मेरा ये प्यार ही देखना चाहती हूँ। रवि क्या हुआ, तुम इतना इमोशनल क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ नहीं देविका, पता नहीं ऐसा अजीब सी फीलिंग आई कि शायद तुम मुझसे कहीं बहुत दूर जाने वाली हो। अच्छा सीधा सीधा कहो ना कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। भूल गए पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे और 7 जन्मों का साथ है हमारा, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे? हेलो भूला मैं नहीं, भूली तुम हो। 7 जन्म नहीं 14 जन्म, भूल गई ना कि 2 बार शादी हुई हमारी, 14 तेरे लिए हैं। और वैसे भी तुमने 14 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना अपनी देवी माँ से। हाँ रवि, और उन्हीं 14 पैरों की कसम खाकर कहती कि अपनी मर्जी से कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अगर कभी कहीं गुम हो भी गई ना तो छुप छुप कर तुम पर नजर रखूंगी। Really? एक और बात रवि, ये जो अम्बे माँ के दरबार तक का हमारा सफर है ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। हाँ बस तुम देखना, जैसे ही हम अम्बे माँ के दर्शन करके वापस आएंगे एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। देखो जी माता रानी के आशीर्वाद से ना अपना काम भी हो जाना है। निवेदिता जी ये जो वैष्णो देवी की यात्रा है ना ये हमारे लिए बड़ा मायने रखती है, हमारी जो मंशा है ना वो इससे पूरी हो जानी है। अब देखो जी घर में तो ये काम हो नहीं पाया तो जी क्या पता आपकी वो जो प्लानिंग है वो वहां पे जाके कामयाब हो जाए, मतलब मौका तो बड़ा अच्छा है जी। अगर ऐसा है तो मैं जरूर चलूंगी आंटी जी। ओ। और आप बिल्कुल सही कह रही है, इतना अच्छा मौका मेरे पास खुद चल कर आया है, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, वहां पे हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। ओ लो जी जल गई जी, चल गई, आपके तो दिमाग की बत्ती जल गई जी। और जी अब मुझे यकीन है आप इस बार ना कोई बहुत ही तगड़ा सा प्लान बनाओगे। और जी फिर तो ठीक है, आप चलने की तैयारी करो जी। लेकिन आंटी जी आपके घर वाले क्या सोचेंगे, रवि क्या सोचेगा, वो नहीं पूछेगा कि मैं क्यों आ रही हूँ?
हमें बहुत सही वजह निकालनी होगी। कुछ सोचा है आपने? रवि को तो मुझे संभाल ही लेना है। पर कैसे? आपने मुझे बताया था ना वो देविका की माँ का जो सपना पूरा करने के लिए वो आपकी कंपनी उसकी मदद करेगी, तो बस ये मैंने रवि को और बाकी सब घर वालों को यही बोलना है कि आप चाहते हो कि देविका का सपना जो है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए, उसमें कोई मुश्किल ना आए, तो इसलिए आप माता रानी के दर्शन करना चाहते हो। मुझे आप जो वो बना रहे हो ना वो अनाथ आश्रम स्कूल जो भी है वो जल्दी से बन जाए, इसलिए आपको माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे इससे बड़ी तो वजह हो ही नहीं सकती है जी। क्या बात है आंटी, आपका दिमाग तो मुझसे भी तेज चलता है। हाँ जी आंटी, अब आप बस देखना आंटी जी, हमारे इस ट्रिप पर मैं ऐसा जबरदस्त प्लान बनाऊंगी कि ये जो देविका नाम की दीवार है ना हमारी जिंदगी में, ये हमेशा हमेशा के लिए टूट के बिखर जाएगी। पर जी, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। आप देखना वैष्णो देवी की ये यात्रा हम सबके लिए यादगार बन जानी है। और जी, हमारी तो जिंदगी बदल जानी है। यस शांति जी, अब देविका की जिंदगी खत्म और हमारी नई जिंदगी शुरू। मैं इन जगराते बकराते में विश्वास नहीं करता, इसलिए निकल गया। और माँ तो तीर्थ यात्रा पे गई है, पता नहीं कब आएगी। सुना क्या चल रहा, कैसा था जगराता? जगराता तो ठीक था वीर जी, आपको पता है मैं घूमने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, कहाँ जा रही हूँ? वैष्णो देवी। ठीक है, घूम फिर ले। क्या घूम फिर लो वीर जी, आपको तो पता है हम दोनों थोड़ी ना घूमने जा रहे हैं, सारा का सारा परिवार जा रहा है, और रवि देविका। अरे हाँ वीर जी, बात याद आई, मम्मी जी ना निवी को भी लेके जा रही हैं साथ में, वैष्णो देवी। निवी को? हाँ, मम्मी जी खुद जाके न्योता देके आई थी। अचानक इसमें इतनी भक्ति कहाँ से जाग गई? जरूर कुछ सोचा होगा, कल रात को जो इसने कांड किया था उसके बाद तो नहीं, मुझे भी जाना होगा। मैं भी आ रहा हूँ सबके साथ। आप? हाँ, घर वालों को तू संभाल ले। अब क्या सोच रही है इतना? मैं संभालूंगी। ये मिस लूथरा ने अब तक मुझे फोन करके बताया नहीं, चलो फोन करके मजे लेता हूँ थोड़ा। साकेत, ओह गॉड, इसे क्या चाहिए? बोलो साकेत, क्यों फोन किया इतनी रात? ऐसे ही मैडम जी, नींद ही आ रही थी। आप क्या कर रही हो? मैगजीन पढ़ रही हूँ। पैकिंग सब हो गई? इसको कैसे पता मैं कल जा रही हूँ? पैकिंग? किस चीज की पैकिंग? अरे आप ही ने तो मुझसे कहा था, कहाँ? हाँ मुंबई जा रही है ना, कोई कॉन्फ्रेंस हो कहीं तो जा रही थी ना। नहीं एक्चुअली वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। बहुत अच्छी बात है, तो फिर कल मिलते। किससे? अरे दोस्ती है तो मिलना जुलना तो चलता रहना चाहिए। और वैसे भी मैं वही आ रहा हूँ तो मिल लेता हूँ ऑफिस आके। ऑफिस में ही हो ना? नहीं एक्चुअली साकेत, मैं कल बहुत बिजी हूँ, मेरा पूरा शेड्यूल बुक है, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, एक साइट पे विजिट करना है और एक कॉन्ट्रैक्टर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे भी सॉर्ट आउट करना है। छोटी सी जान और इतना सारा काम, तो पैकिंग कौन करेगा? इतना पैकिंग लगा रखा है तुमने, तो फिर परसों मिलते हैं? No, it's not possible. मतलब एक पर्सन भी चांस नहीं है मिलने का? No, Saket, I told you, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। और तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। काट दिया इसने फोन? चालाक लोमड़ी, क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? कल जब तुम मुझे वहां दिखोगी ना, बड़ा झटका लगेगा, मजा आएगा। मैं आपको कुछ पेपर्स देने हैं, ये लीजिए, से ओके डैपिंग के सारे सबूत हैं। ओके गुड, तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे मैम? आपको जो चाहिए था वो मैं आपको दे चुका हूँ, जो मेरी बची हुई पेमेंट है आप वो कर दीजिए। कैश हाथ में लेकर नहीं घूमती मैं, और घर पे भी इतना कैश नहीं रखती, कल आ जाना तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पैसे मुझे अभी चाहिए, आप जैसे तैसे करके इंतजाम कीजिए। थोड़ा सब्र नहीं रख सकते क्या तुम? दूसरे लोगों के पास जितना चार्ज करते हो उससे 10 गुना ज्यादा ले चुके हो मुझसे, और तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा दिया है मैंने तुम्हें। कहा ना तुमसे एक बार तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, वक्त तो देखो क्या हो रहा है, रात के किसी भी वक्त आ गए मुंह उठाकर जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे खड़े मत रहो। मतलब मैंने आपके लिए ईमानदारी के साथ काम किया और आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? मैडम मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ मैं आपके खिलाफ भी जा सकता हूँ। प्लीज
ये धमकी किसी और को देना, मुझ पर काम नहीं करेगी तुम्हारी धमकी। अपने पैसे कल आकर ले जाना। गो। तो ठीक है, कल सुबह आऊंगा, कल मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचूंगी जो मुझे चाहिए। कल का दिन बहुत खास है मेरे लिए, कल एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। देविका को उसकी गलत जगह से हटाकर ऊपर उसकी सही जगह तक पहुंचाना है। अच्छा ठीक है, ये वाली पैंट रख लो और वो दोनों शर्ट्स रख लो। बस और टी-शर्ट में कुछ भी नहीं? टी-शर्ट वो देखो, वो ग्रे टी-शर्ट पड़ी है, वो रख। टॉवल तो लिया ही नहीं, वहां पे पता नहीं टॉवल मिलेगा या नहीं, इसलिए अपना ही रख लेते हैं। अरे तुमने मेरा नाइट ड्रेस मतलब वो लोअर और टी-शर्ट कुछ नहीं रखा? ज्वेलरी का डब्बा भी नहीं है, इसमें इयररिंग्स होंगे भी या नहीं। तुम्हारे कपड़े पहनूंगा, तुम्हारी साड़ी पहनूंगा। मेरी साड़ी? मेरी साड़ी की तरफ तो देखना भी मत, दूर है ना। तुम्हारी साड़ी की तरफ देख तो फिर मेरे कपड़े भी तो रखो ना, मतलब मेरे कपड़े कहाँ पर रखोगे, जगह नहीं बची बैग के अंदर। रवि मैं तो वैसे इतने कम कपड़े रख रही हूँ, बहुत कम साड़ियाँ ली है मैंने, इनको भी निकाल दूँ क्या? ये कम साड़ी पूरी अलमारी तुमने बैग में भर ली। अच्छा ठीक है, मैं इसी में एडजस्ट कर देती हूँ ना तुम्हारे कपड़े। अभी देखो सारे कपड़े इसी में आ जाएंगे, हटो तो। मैं हेल्प कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, वहाँ पर अंबे माँ की फोटो है उसको ले आओ बस। इतने प्यार से बोलोगी तो पूरा घर पैक करके ले आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अंबे माँ की फोटो ले आओ, तब तक मैं सब कुछ पैक कर देती हूँ, जाओ। ओके जा रहा हूँ। जल्दी करो, देर हो रही है। फाइनली कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ। तो एक बात बताओ। हाँ? तुम वहाँ पे प्रसाद देने गई थी ना? हाँ? अरे तो वापस आ गए थे प्रसाद देके। साकेत जी को हमारे साथ चलने का लेते देने की क्या जरूरत थी? अभी हमारा परिवार माता के दर्शन के लिए जा रहा है, वहाँ पे साकेत जी का क्या काम है? अरे वो मेरे वीर जी है, उनका मन था चलने का तो बोल दिया। और वैसे भी ये मत भूलो कि मेरे वीर जी की वजह से तुम्हारी नौकरी लगी है, और अगर निवेदिता जा सकती है तो मेरे वीर जी क्यों नहीं? हाँ तो बात करने बेवकूफी है, तो मत करो, पैकिंग करो। कर तो रहा हूँ। वैसे देविका तुम एक काम क्यों नहीं करती, दो चार खिलौने भी पैक कर लो ना, वो क्या है कि माता रानी के चरणों में चढ़ा देना, माता रानी तुम्हारी मन की इच्छा जान जाएगी। खिलौने? हाँ। मेरी क्या मन की इच्छा है? अरे तुम्हारी तो मन की इच्छा है कि हम दोनों के छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पाँच छह बच्चे। क्या तुम भी कुछ भी बोलते हो? अरे कुछ भी का, तुमने तो कहा था कि हमारे बच्चे होने चाहिए और वो बच्चे मुझ पर जाए। पापा भाई तुम पर? हाँ। कुल भी नहीं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। क्यों? तुम्हारे पे गए ना तो इतने बदमाश बच्चे पैदा होंगे, मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। बदमाश तो तुम्हारे पे जाएंगे तो क्या करेंगे? कच, 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 प्लीज रवि मुझ पर ही जाने चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे एकदम गोरे बच्चे पैदा हो। गोरे बच्चे? रवि जी हाँ। क्या करो, जल्दी करो, अभी तक सामान भी नहीं पैक किया है, वो निवेदिता जी भी आ गए, जल्दी आओ। हाँ बस अभी आए, बस हो गया पैक। लो आ गई तुम्हारी मस्तूत्रा, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज्यादा जल्दी उनको ही है। देखिए ऐसे मत कहो, वो तुम्हारी माँ का सपना पूरा करने के लिए साथ चल रही है हमारे। विकास, चाची, आंटी जी। नमस्कार मैडम जी। क्या हो गया? आप तो मुझे यहाँ देख के सरप्राइज हो गई, लेकिन मुझे आपको देख के सरप्राइज होना चाहिए, आप तो कितनी बिजी थी, ऑफिस मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, कितना सारा काम था, सब छोड़ के यहाँ आ गई आप, और वो सारा काम कौन संभालेगा? बिजनेस में कितना सारा लॉस होगा ना रवि के लिए। नो नो एक्चुअली मैं क्या हो गया? बोलती बंद होगी मुझे यहाँ देख कर, झटका लगा होगा ना कि ये कैसे आ गया यहाँ पे। क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा मुझे। मैडम जी वैसे ब्रेकिंग न्यूज से भी थी, मैं भी आ रहा हूं यात्रा पर, साथ मिलकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। क्यों, तुम क्यों आ रहे हो?
हूँ मतलब? अरे दर्शन करने। वैसे तुम भी बुद्धिमान हो, दिमाग पे जरा जोर दो कि मैं क्यों आ रहा हूँ, और अगर जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता देना। वैसे कहाँ रह गए, देरी हो रही है ना, मैं बुला के आता हूँ। अरे आंटी जी, यहाँ आना है आपको। हेलो मैडम, आप कहाँ पर हो? मैं आपके घर आया था, आप घर पर नहीं थे। आपने कहा था कि आज पैसे दोगी। तो है ना, मैं एक्चुअली बॉम्बे आई हूँ किसी बिजनेस के लिए, तो मुझे 4 दिन बाद फोन करो। ओके और समझती क्या है अपने आप को यार, फोन काट रही है। कल कह रही थी कि आज पैसे देगी, आज कह रही है कि 4 दिन बाद आओ। मेरे साथ खेल खेल रही है। हे अम्बे माँ, मेरे लाडो के रास्तों की सारी मुश्किलों को दूर कर देना, उसकी यात्रा को सफल कर देना। क्या हुआ, अब किस बात की टेंशन है? अब तो देविका दी भी मिलकर गई है आपसे और वो बिल्कुल ठीक है, और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी तो जा रहा है, फिर किस बात की चिंता? वो सब तो ठीक है पल्लवी, लेकिन पता नहीं अजीब सा लग रहा है, और जब से लाडू आकर मिलकर गई है तब से मन बहुत घबरा रहा है। बार बार ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, और फिर कल रात को मैंने एक अजीब सा सपना देखा, ऐसा सपना जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई। सारी रात आंखों के सामने काले साये मंडरा रहे थे, और देखते ही देखते उन काले सायों ने मेरे लाडो को घेर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, बार बार ऐसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इतना डर क्यों रही हो? वो लोग माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं, 2-4 दिन में लौट आएंगे। जैसे दिया आपकी लाडली है, वैसे माता रानी की भी लाडली है, इसलिए वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको देवी माँ पर विश्वास है ना? अम्बे माँ, आपने हर बार मेरे लाडो की रक्षा की, उसे हर मुश्किल से बचाया है। वो आपके कदमों में मत्था टेकने आ रही, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना, और अगर कुछ गलत होने भी वाला हो तो मेरे बच्चे को उन सब चीजों से दूर रखना। अब बस आप ही का सहारा है, रक्षा करना मेरे बच्चों की। कंफर्टेबल है आंटी जी? एसी और बढ़ा दो। नहीं 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 जी, बहुत ही ठंडा लग रहा है वैसे भी। माँ सब मतलब अच्छे से पैक कर लिया ना आपने? हाँ सब कुछ रख लिया मैंने। ठीक। Bloody hell, मेरी ही गाड़ी में बैठकर रोमांस कर रहे हैं ये दोनों। कितना एंजॉय कर रही है ये स्टूपिड लड़की मेरे रवि के साथ। कोई बात नहीं, कर लो जितना एंजॉय करना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों का ये साथ खत्म होने वाला है। एक साथ जा तो रहे हो, लेकिन इस बार ऐसा सॉलिड प्लान बनाऊंगी कि रवि अकेला ही लौटेगा, वो भी मेरे साथ। गिनती की सांसें बची है तुम्हारी देविका, जी लो थोड़ा, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ का दी एंड दूर नहीं है। जी मिश्रा जी, क्या मगर कैसे? ओ जी, मैं अपने घर वालों से बात करके आपको फोन करता हूँ। ओके क्या हुआ मंडी? साकेत जी, हमारे ट्रैवल एजेंट मिश्रा जी का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि वैष्णो देवी की पहाड़ियों में लैंडस्लाइड आ चुका है, तो माता की गुफा तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। 3-4 दिन तक कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? मैं भाई को कॉल करके सारी बातें बताता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। हाँ मोंटी। भाई वो मिश्रा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हम लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे, वहाँ की पहाड़ियों में लैंडस्लाइड आ चुका है, और माता की गुफा तक पहुँचने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। 2-3 दिन तक वहाँ पे कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आप बस आगे रोकिए, हम लोग 2 मिनट में पहुँचते हैं। हाँ मोंटी, उसके बाद मिलके बात कर लेते हैं। क्या हुआ, क्या कह रहा था?
आप क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मिस लूथरा, आप गाड़ी रोकेंगे एक मिनट के लिए प्लीज? क्या हुआ? कुछ नहीं देवी, एक्चुअली मॉन्टी का फोन आया था, उसने बताया कि वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गया है और मेन गुफा का रास्ता बंद हो गया, तो हम वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे। रवि, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अंबे माँ के पास जाऊंगी, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कुछ करो ना, मुझे जाना ही है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब जो हो गया सो हो गया, और मैंने पहले ही कहा था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है माता रानी की मर्जी ना हो कि हम वहाँ आए। देख लो मोंटी आ गया।